हैं? ये क्या शॉट थी? और वो भी हसनैन को ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया, ये इतनी पेस पे ऐसे शॉट कौन मारता है भाई? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद यावा यासिन, वेलकम बैक टू क्रिकेट सीन्स। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर के मैच के नहीं बल्कि सिर्फ आजम खान की बात करेंगे। भाई क्या खेला है लड़का, हाउस हुई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग का फैसला किया है, और वहीं पे मुझे लग रहा था इन्होंने जो बैटिंग का फैसला किया है ये बहुत मारेंगे। कोटा ग्लैडिएटर्स ने पावर प्ले में पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को जकड़ लिया, उनके टॉप ऑर्डर को बिल्कुल चलने नहीं दिया। लेकिन टॉप ऑर्डर नहीं चला तो क्या हुआ, मिडल ऑर्डर तो है ना भाई। आसिफ अली, आजम खान दोनों ने बहुत मारा है भाई, 3 छक्कों की हैट्रिक, कोई छक्का मार रहा है पेसी बॉल को स्वेप्ट करके लेग पे स्टेडियम के बाहर, ये कौन से छक्के मार रहे हो भाई। कोई एक्सट्रीम इनसेन लेवल की बैटिंग की है आजम खान ने और उसका पूरा पूरा साथ दिया है आसिफ अली ने। और पहली इनिंग खत्म हुई और इस्लामाबाद ने 220 का टारगेट दे दिया, हाईएस्ट टारगेट अभी तक का PSL 8 का इस्लामाबाद ने बना दिया है। कोटा के लिए एक तो ये टारगेट ही बहुत बड़ा था, 220 का टारगेट चेस करना और टीमों की हवाएं निकल जाती हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने उनको पकड़ के और वहीं पे सीज कर दिया उनके स्कोर को, उनको 160 भी नहीं करने दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड में बॉलिंग की तरफ से हसन अली ने 3 विकेट्स ली, फजल हक फारूकी ने 3 विकेट्स ली, इब्रार अहमद ने 2 विकेट्स ली और कोटा ग्लैडिएटर्स को 20वें ओवर के स्टार्ट में ही पूरा कर दिया। लेकिन एक चीज जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से वो थी हफीज की इनिंग्स। हफीज ने बहुत प्यारी इनिंग खेली और 26 बॉलों पे 48 स्कोर मार के हफीज ने कहा अभी तो मैं जवान हूँ। पॉइंट्स टेबल और PSL में 2 टीम्स के ग्रुप्स बन गए, एक बहुत हवाओं में टीम्स, उसमें आती है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड पैरेलल, और उनके बाद आती है लाहौर कलंदर, और दूसरी है जमीनों पे टीम, उसमें आती है पिशावर जलमी और कराची किंग्स पैरेलल और कोटा ग्लैडिएटर बॉटम पे। कोटा ग्लैडिएटर के साथ कोई इस दफा अजीब ही सीन हो रहे हैं, उनके सबसे अच्छी टीम होने के बाद भी वो सबसे खराब और सबसे नीचे और सबसे ज्यादा हार रहे हैं। तो बात कर लेते हैं PSL के अगले मैचेस की। आज कोई मैच नहीं है, संडे को 2 मैचेस होंगे, मुल्तान वर्सेस कराची और लाहौर कलंदर वर्सेस पिशावर जलमी। जिस मैच का मजा आएगा वो है लाहौर कलंदर वर्सेस पिशावर जलमी, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। आए 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 जैसे बाबर आजम की कवर ड्राइव्स और शाहीन शाह के इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, ओए होए 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 होए, बॉल लेवल मैच होने लगा है। अब इन दोनों की प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं, सो इट्स प्रेडिक्शन टाइम। प्रेडिक्शंस की बात करें तो लाहौर और पिशावर में से ऑब्वियसली मैं लाहौर का सपोर्टर हूँ भाई। मुझे ये वाला स्टाइल देखना है कि शाहीन अफरीदी कोई 3-4 दफा ये वाला स्टाइल कर दे, बाकी जो रह जाए वो हारिस रऊफ कर दे, जो रह जाए वो जमान खान कर दे। लेकिन एक और चीज जो मुझे देखनी है वो है बाबर आजम के कवर ड्राइव्स। बाबर आजम चल जाए बाकी कोई ना चले, और लाहौर ये मैच जीत जाए और दूसरी तरफ से मुल्तान जीत जाए, तो मैं हूँ इन मैचेस में मुल्तान और लाहौर की तरफ। सो आज के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। PSL को भरपूर तरीके से करें एंजॉय, अपनी फेवरेट टीम्स को करें सपोर्ट, एंजॉय द PSL टू इट्स फुलेस्ट, जॉइन द PSL बैंग गैंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले मैचेस के हालातों वाकियात दरामदातों ग्रामदाद के साथ, तब तक के लिए रब रखा।